कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के लिए एक सीजनिंग की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम पिज्जा बनाते हैं या फिर कोई भी जैसे चाइनीज हो गया, चाउमिन हो गया, कोई भी इटालियन डिश बनाते हैं या फिर कोई भी चाइनीज डिश बनाते हैं, जो भी जिसमें चाइनीज ग्रेवी होती है, जैसे नूडल्स हो गया या फिर कोई भी चिली चिकन हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह के अगर हम खाने बनाते हैं जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं खाने को या फिर हम अपने घर में बनाते हैं, तो हम उसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल दें लेकिन अगर ऑरिगैनो नहीं डालते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल टेस्टलेस होता है, ब्लैंड हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। जो टेस्ट रेस्टोरेंट में आता है वैसा वाला टेस्ट नहीं आता। बहुत सारी जगहों पे हमें ऑरिगैनो अवेलेबल नहीं होता और जब हम मार्केट में इसे खरीदने जाते हैं तो ये बहुत महंगी भी मिलती है। क्या आपको पता है हम अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और वो भी मौजूदा प्लांट की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट मैं अभी दिखा रही हूँ ये ऑरिगैनो का प्लांट है और इसी की मदद से हम ऑरिगैनो सीजनिंग हर्ब, जिसे हम बोल सकते हैं, बनाते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है और वो बहुत कॉस्टली भी होता है। दोस्तों, हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा प्लांट है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो अजवाइन होती है उससे मिलती जुलती होती है। तो हम सोचते हैं कि ये अजवाइन का प्लांट है और हम नर्सरी हो या फिर बहुत सारी जगहों पे जब भी जाते हैं या फिर हमारे घर में भी हो तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसे हम अजवाइन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो अजवाइन से मिलती जुलती होती है। क्या आपको पता है ये अजवाइन का प्लांट नहीं है। जैसा कि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं साउथ इंडिया में रहती हूँ तो मुझे पता है जब भी मैं अपने घर जाती हूँ तो हर घर में जैसे तुलसी का प्लांट हो, आंवला का प्लांट हो, ऐसे मिलता है, वैसे ही यहाँ साउथ इंडिया में आप किसी भी घर चले जाओ और खासकर जिसके घर में बच्चे हो वहाँ पे ये प्लांट आपको जरूर से दिखेगा। तो मैंने भी इसे अजवाइनी प्लांट बोला था तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये अजवाइन का प्लांट नहीं है। साउथ इंडिया में इसे कर्पूरवल्ली के नाम से जाना जाता है और कर्पूरवल्ली आप सर्च कर सकते हैं। मैंने इस पे काफ़ी सर्च किया है और पढ़ाई की है, फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कर्पूरवल्ली इसका ओरिजिनल नाम है। और दोस्तों, हम बहुत सारे लोग इस अजवाइन के प्लांट के लीव्स को खाकर बोलते हैं कि हमारा पेट दर्द, डाइजेशन को ये ठीक करता है। दोस्तों, करता होगा ठीक, लेकिन जो ये कर्पूरवल्ली का जो प्लांट है इसके लीव्स जो है, इसके पत्तियां जो हैं, इनका ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पे जो किया जाता है आयुर्वेद में किया जाता है या फिर जो साउथ इंडिया में किया जाता है, इसे खासकर हम अपने कफ के लिए करते हैं। बहुत सारे कफ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और जो जल्दी नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पुराने पुराने कफ भी होते हैं, वो लोग भी इसे हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो बच्चे हैं जो यहाँ के, उन मैंने पहले बोला कि जो भी बच्चे होते हैं जिनके घर में, उनके घर में ये प्लांट होता ही होता है, तो वो इसलिए होता है कि उनकी वो हमेशा उनको या तो सर्दी लग जाती है या तो खांसी लग जाती है। तो ये कर्पूरवल्ली के जो लीफ हैं यहाँ लोग ये इसे ही बच्चों को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं जिससे उनकी कफ की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। तो अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ आ गया कि जिसे हम अजवाइन का प्लांट बोलते हैं वो अजवाइन का प्लांट नहीं है, ये एक कर्पूरवल्ली है और इंग्लिश में इसे हम ऑरिगैनो बोलते हैं। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में यही प्लांट लगाई जाती है और इसके लीव्स की मदद से हम ऑरिगैनो का जो भी हर्ब है, यानी जो ड्राई करके हम बनाते हैं हर्ब, उसका प्रयोग किया जाता है। और हमारे इंडिया में भी अब जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे खाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, आज मैं इसी टॉपिक पे लेकर आई हूँ रेसिपी कि हम इसे घर में कैसे बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है ये बहुत इजिली ग्रो करता है। जैसे हम तुलसी लगाते हैं तो डेली पानी देना होता है, लेकिन इसमें कोई पानी भी आप डेली नहीं दोगे, इसका केयर नहीं करोगे, फिर भी ये प्लांट हमारे गार्डन में बहुत ही इजीली लग जाता है। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी कैसे भी क्लाइमेट में ये प्लांट बहुत आसानी से लगाया जाता है, जैसे सकलेंट्स प्लांट्स होते हैं वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज के लिए, रेसिपीज के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने प्लांट से पत्तियों को तोड़ लिया था और इसे दो बार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी ना रह जाए। दोस्तों, ये
अभी मैं जो बता रही हूँ रेसिपी ओरिगानो का बता रही हूँ, आप इटालियन हर्ब से कंफ्यूज मत होना, मैं इटालियन हर्ब की रेसिपी अलग से लेकर आऊँगी। तो देखिए यहाँ पे पत्तियाँ मैंने रख दी हैं एक टॉवल पे, एक कपड़े पे, सूती कपड़े पे रख दें और इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लें, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ क्योंकि इससे मॉइस्चर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, तो इसलिए एक एक पत्तियों को अच्छी तरह से ड्राई करके एक बोल में रख लें। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप इसे माइक्रोवेव में ड्राई कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। आप इसे गैस चूल्हे पे भी कर सकते हैं स्लो फ्लेम पे, और इसे सन ड्राई भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोवेव में इसे ड्राई करूँगी। सन ड्राइंग वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि इसे 5 से 7 दिन लगते हैं ड्राई करने में पत्तियों को, तो क्विक प्रोसेस है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में बहुत ही जल्दी हो जाता है जैसा कि 5 मिनट्स में। और इसे आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं ड्राई। तो देखिए ये 5 मिनट्स होने वाला है तो पत्तियाँ ड्राई हो गई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पत्तियों को निकालकर एक प्लेट में रख देना है, थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देना है ताकि जो भी इसमें मॉइस्चर था वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। ठंडा होने के बाद एक बर्तन में इसे हमने इसका चूड़ा बना लिया है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे ओरिगैनो हर्ब तैयार हो गया है, आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।